सदर अनुमंडलाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को शहर में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। दुकानदारों से जुर्माने के रूप में 1.5 लाख रुपए वसूला गया। गुरुवार को हुए अतिक्रमण अभियान शहर के मगरदही घाट से लेकर गणेश चौक, गोला रोड, बंगाली टोला, बहादुरपुर स्टेशन चौक, रामबाबू चौक एवं पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड में जमकर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। सदर अनुमंडलाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि लगातार पब्लिक से मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के निर्देश पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण अभियान में दर्जनों दुकानदारों को जुर्माना लगाया गया है और साथ ही आदेश दिया गया है कि दोबारा पकड़े जाने पर और अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस अतिक्रमण अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। नगर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, कितने लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की गई है? लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के आलोक में बहुत सारे जगह को अतिक्रमण कराया गया है। दिल्ली, मगरदही घाट, गणेश चौक, मारवाड़ी बाजार और स्टेशन रोड, इन विशेष एरिया में फोकस चलाकर अभी तक हम लोगों ने करीब 1.5 लाख से ऊपर का जुर्माना वसूल किया है। और भी ये प्रक्रिया जारी है और कंटिन्यूस हर 2 से 3 दिन के बीच में लगातार ये अतिक्रमण अस्थायी रूप से जो किया गया है उसको हम लोग हटाने का लगातार कार्य करते रहेंगे। और ये एक टीम का भी अनुमंडल स्तर से गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में लगातार समन्वय कर यातायात, नगर प्रशासन और थाना के साथ समन्वय करते हुए सभी के अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सहयोग के लिए टीम भी बनी हुई है। उस टीम के माध्यम से लगातार इस पर कार्रवाई होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी आम जनता है इनको जाम की राहत से, जाम की समस्या से बड़ी राहत मिले। नगरवासी अब जाम से मुक्ति पाएंगे लगता है आपके प्रयासों से? हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने इस कार्य के बल पर लगातार इसको निगरानी करते हुए एक जो आम नागरिक जन है उनको जाम की समस्या से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद सर।